हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जयपुर दर्शन, और हम हमारी टीम के साथ जा रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है, इस टीम के साथ हम करने वाले हैं जयपुर दर्शन। जयपुर के जितने भी टूरिस्ट पैलेस है, जितने भी जगह है घूमने की, वो सब जगह आपको दिखाएंगे। पूरी सीरीज चलेगी और इस सीरीज में आप कंटिन्यू बने रहना और ढेर सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना। चलो चलते हैं, सीरीज स्टार्ट करते हैं। जगतपुरा फाटक, ये है जगतपुरा की पुलिया जो सामने देख रहे हैं आप। जगतपुरा पुलिया है, यही जगतपुरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप जयपुर के बहुत सारी जगह घूम सकते हो, देख सकते हो। यहाँ उतर के भी इसके लिए रिस्ट पड़ता है माली नगर जवाहर सर्किल वगैरह, उसके लिए आप यहीं से उतर के जा सकते हो और माली नगर से भी जा सकते हो। और शॉपिंग मॉल भी यहाँ से रिस्ट पड़ता है, ट्रेड पार्क, पत्रिका गेट वगैरह। यहाँ रेलवे स्टेशन है सामने दस्ट, ये जगतपुरा का फाटक है। ये जगतपुरा का बस स्टैंड है, यहाँ पे 7 नंबर बस लगती है। लेकिन चीज बताएंगे, हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको वीडियो देख के जान बोलते हैं जंगल फॉरेस्ट है। इसमें पैंथर वगैरह सब देखने को मिलता है, आप इसमें विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो। इसका भी वीडियो आपको बना के देंगे। हम चल रहे हैं मॉडल टाउन। ये बालाजी मोड़ है, यहाँ से एक रास्ता, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है डब्ल्यूटीपी जवाहर सर्किल सांगा डैम के लिए, और ये जो सीधा जा रहा है ये मोदी डोंगरी गणेश जी रास्ता न्यूयॉर्क सिटी होते हुए जा रहा है। जब भी आओ आप जगतपुरा से, तो आप इधर से रास्ता में गणेश जी के लिए ये बालाजी मोड़। ये है जयपुर का गांधी सर्किल, ये JLN मार्ग भी है, जहाँ से आप हवाई अड्डे जा सकते हो। और इससे जस्ट अगले वाला जो रोड है वो है टॉप रोड। ये देखो, ये गांधी सर्किल, ये गांधी जी रहे। ये है जयपुर की कनोडिया कॉलेज, कनोडिया महिला महाविद्यालय, ओनली गर्ल्स। और ये जूनियर सिटी रोड है, JLN मार्ग, जयपुर का सबसे VIP रोड, और जिस पे इस टाइम इस तरह की भीड़ है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये है जयपुर का बिरला मंदिर। ये जयपुर के सबसे प्राचीन शिव जी है। ये सिर्फ मंदिर महाशिवरात्रि को ही खुलता है और पूरी साल बंद रहता है, सिर्फ साल में एक बार ही खुलता है महाशिवरात्रि को। और जो यहाँ के राज परिवार है वही ओपन करते हैं, वही इसकी पूजा करते हैं, और महाशिवरात्रि के दिन इसके दर्शन होते हैं बस, इस मंदिर के शिव जी के।
अभी हम पहुंच गए हैं जयपुर के मोती डूंगरी के गणेश जी के मंदिर में और आज यहां हम हमारी पूरी टीम के साथ हैं। हमने एक सीरीज चालू किया जयपुर दर्शन, जिसमें जयपुर के जितने भी पर्यटन स्थल हैं सबके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, उनके बारे में आपको दिखाएंगे। और आज बुधवार है और आज हम आए गणेश जी, हमने शुरुआत की है जयपुर के गणेश जी से। और इस गणेश जी के हर बुधवार को काफी भीड़ पड़ती है, यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ काफी संख्या में आते हैं। वैसे तो जयपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन गणेश जी के मंदिर की एक अलग ही बात है और इनका एक अलग ही स्थान है जयपुर में। और अब हम बात करने वाले हैं मोती डूंगरी के गणेश जी के इतिहास के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और ये कितने साल पुराने हैं, इन सब के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि ये 400 साल पुराने, और कहते हैं कि इस पवित्र और लोकप्रिय मंदिर का निर्माण 1761 में किया गया था। और जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था वो थे सेठ जयराम पालीवाल जी। उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के सबसे उत्तम पत्थर से करीब 4 महीने के अंदर पूरा करवाया गया था। और लोक श्रुतियों के अनुसार इस मंदिर की एक कहानी है जो बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि जब गणेश जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा गया और कहा गया कि जहां भी जिस भी स्थान पे ये बैलगाड़ी जाके रुकेगी, मंदिर का निर्माण उसी स्थान पे किया जाएगा। कहानी के अनुसार बैलगाड़ी मोती डूंगरी पहाड़ी के नीचे आके रुकी और सेठ जयराम पालीवाल ने इसी स्थान पे मंदिर का निर्माण करवाया था। और तब से लेके आज तक यहाँ पे हर बुधवार ऐसे लगता है जैसे कोई मेला भर रहा हो, इतनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे आती है। लाखों लोग बुधवार के दिन यहाँ पे गणेश जी के दर्शन करने आते हैं और यहाँ एक अलग ही भक्तिमय माहौल रहता है। और यहाँ पे गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा है जिसपे लाल सिंदूर लगा हुआ है। गणेश जी के यहाँ पे लड्डुओं का भोग लगता है और भारी संख्या में यहाँ पे लोग गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए भी लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आते हैं और भगवान को लड्डुए अर्पित करते हैं, उनको लड्डुओं का भोग लगाते हैं, खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि जब भी आप जयपुर आओ तो एक बार मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन जरूर करो, यहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। आज बुधवार था इसलिए काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हमारे दर्शन तो काफ़ी आसानी से हो गए थे। साल में जब भी गणेश चतुर्थी आती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से पब्लिक यहाँ दर्शन करने आती है। और जब उस टाइम तो दर्शन होना भी काफ़ी दुर्लभ हो जाता है, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। ये गणेश जी की विशाल प्रतिमा है, आप यहाँ बैठे बैठे भी गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे यहाँ, और कितनी भीड़ है ये सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आजा आजा।